आज अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ मलिया का है, सिर्फ मलिया का। आज से मैं तुम्हारा सुकून, तुम्हारी नींद, तुम्हारी जिंदगी सब कुछ छीनूंगा। जो मर्द इस तरह अपनी बीवियों के साथ खुश अखलाक होते हैं, जान छिड़कते हैं ना उन पर, भाई दूसरी औरतों के साथ जाके भी यही करते हैं। अली से शादी के बाद जिंदगी में सुकून है। सर आपको किस एक्ट्रेस से काम करके सबसे ज्यादा मजा आया? मजा आया जिस तरह आपने पूछा है सवाल, ये एक्टिंग के बारे में नहीं लग रहा, ये हवाई बीच हवाई बीच टाइप ही सवाल कर रहा है। किसके साथ मजा आया अभी? ये क्या सवाल है? मजा यार, आप मेरी बीवी साथ बैठी है। निर्जल में आज मौजूद है आसना मना में, आसना मना का पहला कपल अली अब्बास और हमना। शादी कैसे हुई ये सवाल, कैसे हुई मतलब ये नहीं कि काजी साहब आए थे निकाह हुआ था, ये तो होता ही है। कोई ऐसी स्टोरी थी कहाँ पसंद किया गया, अब्बू की पसंद, दादा की पसंद, रिश्ता आसान था, सुसर ने पहली बार क्या सवाल पूछे, ये सब? अच्छा मजे की बात यह है कि हमना के लिए दो रिश्ते मैं लेके आया था। क्या? हाँ वो अलग अलग लोगों के रिश्ते मैं लेके आया था कि यार ये अच्छे लड़के हैं, तो क्योंकि दोस्ती बहुत थी हमारी, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है यार अच्छी लड़की है, लड़का भी ठीक है, मुनासिब है, शादी करना चाह रही है तो हो जानी चाहिए शादी। लेकिन वो बस जब किस्मत में जो कजन है ताया का बेटा, मेरी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, तो ये मुझे ऑफिस में तंग बहुत करता था, लड़ाई होना, बहुत हाइपर नेचर बंदा और मैं तंग थी। बट ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि एक दिन मुझे मेरे सुसर से फेस टू फेस मुलाकात हो गई और मैंने उनको, और वो मुलाकात से पहले क्या हुआ था कि हमारी लड़ाई हो रही, हमारी लड़ाई हो रही थी, हमने मेरा जूता उठा के मेरे नेबर्स के घर फेंक दिया। बट अगेन वो फिर मैंने उनको सारी, मुझे मौका मिला, मैंने उनको 1 to 8 to 0 सारा एक सांस में बताया कि मैं ऑफिस में होती हूँ, ये मुझे बहुत अंकल वसीम सर को, वसीम सर को अंकल सॉरी मैं तो सही कहूँगा। हाँ, रात को मुझे अली के कज़न का फ़ोन आ गया कि वो कुकी चाचू तो रिश्ता लाने की बात करे, मैं तो कुछ और कहा था, ये कुछ और हो रहा है, ये नहीं हो सकता। खैर वो घर डायरेक्टली पेरेंट्स की आपस में बात हुई एंड वहाँ से फिर चीज़ें। और मैं हमना के घर जब पहली बार गया था तो हमना की जो वालदा हैं जिनके साथ अब मेरी बे इंतहा मोहब्बत और दोस्ती है, वो मुझे यूँ देख रही थी। तो और मैंने अब ऑकवर्ड मोमेंट ब्रेक करने के लिए ना एक तस्वीर लगी हुई थी एक अंकल की, तो मैंने तब तक मैं अपने सुसर से नहीं मिला हुआ था, ठीक है, वो कहीं आ रहे थे, मैं इंतज़ार में बैठा हुआ था, तो मैंने ऑकवर्ड मोमेंट ब्रेक करी क्योंकि आप एक इंसान की तरफ देखते हैं और वो यूँ आपको देख रहा है, आप फिर उधर मुँह कर लेते हैं, फिर आप सर घुमा के देखते हैं, वो फिर आपको यूँ देख रहा है। तो मैंने वो दोबारा जब इधर देखा तो तस्वीर नजर आई, तो मैंने कहा कि ये आपके हस्बैंड हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, ये हमारे वालिद की तस्वीर है। अब मेरे नाना की पिक्चर को कहेगा कि मेरे अब्बू हैं तो फिर तो ये लड़का तैयार होकर आया था कि नहीं करनी गलत हो। लेकिन वो फिर अंकल आए तो उनके साथ बड़ी अच्छी बातचीत शुरू हुई, और तब मैं एक्टर नहीं था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एक्टिंग की तरफ तो नहीं जाएंगे क्योंकि आपका फैमिली का तो यही है, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आपका फैसला अपना है, बट मैं एक्टिंग तो करूँगा चाहे जो भी हो जाए। तो आई थिंक वही उनको जो सच्ची एक बात मैंने कर दी, बाकी सब झूठ बोला था, वो एक सच्ची बात कर दी, वो उन्हें हिट की और उन्होंने कहा कि ठीक है। अच्छा एक बड़ी फनी आप लोगों की आइसक्रीम से रिलेटेड एक कहानी है जो हमें बताया गया कि यार आइसक्रीम का वाकया जो है वो मशहूर है, आपसे पूछना चाहिए। जब शादी हमारी हो गई और तो मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि मुझे हमना ने कहा कि अब क्या जोरे जहेज आ गया। ये क्या बात हुई? हमना ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारा जो ड्रीम है वो एक्टिंग है, तो तुम अपना ड्रीम परसू करो, ठीक है, और कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ सेविंग्स थी और सच्ची जो बात है कुछ मैं अपने वालिद से भी उस वक्त सपोर्ट ले लेता था, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, तो वो और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मैं उनके घर में रहता था, इससे बड़ी सपोर्ट और ही नहीं, रेंट्स और बिल्स और चीजें नहीं था, आई वाज वर्किंग बैक देन, तो वो हां कोई रिस्पांस, और बहुत हार्ड होता है ये सब जो आप अभी बता रहे हैं ना, बताना और एक्नॉलेज करना कि यार मैं अब्बू के घर में रहता था, और अब्बू वरना तो यहां एक्टर शुरू ही इंस्पिरेशनल स्टोरी से करता है। नहीं नहीं, वो वेरी नाइस,
हमारी जो बेटी थी वो शी वॉज एक्सपेक्टिंग हर, तो इसने कहा कि मुझे आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है. तो पैसे तो इतने होते नहीं थे कि कोई किसी बड़े हम आइसक्रीम सैलून जाके पार्लर जाके खा सकें. तो वो हमारे वहाँ पे एक बलोच टाइप आइसक्रीम जो मशहूर है ज़माना, उधर मैंने कहा भाई उधर से खिला देते हैं. तो मैं वहाँ से आइसक्रीम ला के हमना को खिला दी. जब हमारी बेटी पैदा हो गई तो उसके बाद अल्लाह ने किस्मत ऐसी खोली कि बैक टू बैक मुझे 2-3 सीरियल्स मिल गए. बेटियाँ लाती हैं अपने साथ बहुत सारे पैसे लाती हैं. बिल्कुल बेटियाँ. तो वो जब साइनिंग अमाउंट्स मिली तो वो इतना पैसा हम दोनों ने इकट्ठे इतने अरसे में दो बलोच आइसक्रीम नहीं देखा होता. तो मैं हमना को हॉटस्पॉट लेकर गया कि आज तुम्हें यहाँ से आइसक्रीम. तो वो मैं आइसक्रीम लेने के लिए गया और मैं वापस आया तो हमना ने मुझसे कहा कि मैंने आज एक बहुत ही अजीब सी चीज़ तुम में नोटिस की है. मैंने कहा वो क्या. उसने कहा कि जब मुझे आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी एक बार और तुम लेके गए थे तो तुम जैसे गए थे तुम्हारे कंधे गिरे हुए थे, सर झुका हुआ था, वापस आ रहे थे तो बॉडी लैंग्वेज में कोई एनर्जी नहीं थी. आज लेकिन तुम्हारे जाने के स्टाइल में, तुम्हारे वापस आने की खुशी, एक फ्लेयर था. तो ये करता है पैसा, जब वो आपकी जेब में होता है तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका अंदाज, सब कुछ बदल दे. ऐसा हो तो क्या नहीं हो सकता. तो वो बात मेरे जो है वो बहुत बहुत सही बात है. अच्छा अली भाई, सेट पे इतना टाइम गुजरता होगा है, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, तो सेट पे कोई फनी स्टोरी, कोई ऐसा वाकया जो आज तक याद रहा हो. एक गाना शूट हो रहा था जिसमें चारों हीरोइंस और चार हीरोज वो एक लाइन में खड़े होकर गा रहे होते, तो हमें कॉल टाइम आता है रोज मैसेज एसोसिएट का, तो उसमें सबका कॉल टाइम लिखा होता है. तो एक नाम लिखा हुआ आता था एक एक्टर का, पॉल, पॉल समथिंग पॉल. अब वो मैं समथिंग पॉल इसलिए कह रहा हूँ, मेरे लिए वो समथिंग था क्योंकि पॉल पे ही मेरी नजर जाती थी और मैं कहता था अच्छा कोई क्रिश्चियन लड़का है. तो एक दफा मैंने पूछा भी कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये एक लड़का है जो चौथा जो लड़का है वो ये कैरेक्टर प्ले पॉल है. मैं कहा ठीक है, नया है. हाँ जी नया है. अब उस सेट पर मुलाकात हुई तो मैं गाना शूट हो रहा था तो वो आया मुझसे मिलने के लिए. एक तो पता नहीं लोग डरते क्यों हैं मुझसे मिलने से, मैं बड़ा ईजी गोइंग सा इंसान हूँ उस मामले में. तो वो आया तो मैंने उसकी आइस ब्रेक की. मैंने कहा मिस्टर पॉल, मिस्टर पॉल हाउ आर यू, मिस्टर पॉल आर यू ग्रेट. तो उसने कहा नहीं नहीं मेरा नाम पॉल नहीं है. मैंने कहा अच्छा आप क्रिस्टन नहीं है. उन्होंने कहा नहीं 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 मेरा नाम. तो अब जब वो बता रहा था तो उन्होंने गाना लगा दिया पीछे और वो भी मिस हो गया. शूट हो रहा था तो नाम मुझे समझ में आया सिद्धार्थ पॉल. तो आपने कहा अच्छा, तो मैंने सोचा कि अच्छा ये हिंदू है, ये क्रिस्टन नहीं है. वो मेरे साथ खड़ा हुआ था, मैं खड़ा हुआ था और अजफर और एक और लड़का खड़ा हुआ था, तो आसिम महमूद. तो अब हम अपने क्यू का वेट कर रहे हैं, 1, 2, 3. तो उसने तेरा हीरो एक फिल्मी बच्चे होते हैं ना हम सारे, तो उसने कहा कि या माता देवी मदद कर, मेरी मदद कर. तो मैं उसको देख रहा था तो आई फेल्ट सो बैड कि यार माइनॉरिटी में से है, हम सब में खड़ा हुआ है, हिंदू बच्चा है, मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए, करनी चाहिए. तो मैंने कहा सिद्धार्थ डोंट वरी, माता भगवान तुम्हारी मदद करेंगे ये. और मैं वापस क्यू पे आया तो उससे 2 सेकंड का ब्रेक लिया और उससे रहा नहीं गया. उसने कहा अली भाई मैं हिंदू नहीं हूँ. मैंने कहा यार तुम हिंदू भी नहीं हो अब है क्या, ना तुम क्रिश्चियन हो ना तुम हिंदू हो, तो तुम हो कौन. मैं मुसलमान हूँ. मैंने कहा सिद्धार्थ पॉल मुसलमान कैसे हो सकता है भाई. मेरा नाम सज्जाद पाल है अली भाई. मैंने कहा तुमने अच्छा माता का क्यों जिक्र किया फिर. मैंने कहा वो तो मैं एक से एक डायलॉग बोल रहा था. मैं कहा जा यार. अब हम चलेंगे इन खूबसूरत ऑडियंस की तरफ जो हर शो में मैं बताता हूँ 200 रुपीज प्लस बिरयानी पे आई है. तो इनसे बात करेंगे. ऑडियंस के पास सवाल आते हैं आपके लिए. हाँ भाई किसके पास सवाल है, कौन है वो लड़का. ताबिज भाई और अली भाई कैसे हैं आप, ठीक है. भाभी भी आई हुई है. अच्छा भाभी भी कैसे हैं आप, ठीक हैं. अच्छा मेरा आप दोनों से सवाल है कि आपके भी 2 बच्चे हैं और इनके भी 2 बच्चे हैं, भाभी के भी, ठीक है. क्या आपने कोई कमर्शियल देखी है कि बच्चे 2 ही अच्छे. कमर्शियल देखते तो बच्चे कब करते. वो इसलिए कि आज के दौर में 2 संभालना ही बहुत बड़ी बात. बहुत बड़ी बात. नहीं अभी इनिंग जारी है या इधर स्टॉप है. हम दोनों से पूछा पहले आप बता दो. सवाल ही समझ कह रहे इनिंग्स जारी रहेगी या बस अब डिक्लेयर कर दिया है. चलो लो शुक्रिया. मेरा जवाब यह है कि कुछ है आपकी नजर में है कोई. क्या 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 बनाया जाए यार.
आपका कोई डायपर का काम है, आपको बच्चे पता करके करना क्या है? तो रीज़न होगा ना, पता करना चाह रहे हैं कि और बच्चे होंगे नहीं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान सिद्दीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सीएस कर रहा हूँ मैं। इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पूछता तो मैंने कुछ भी नहीं तुमसे। आपके नॉलेज में इजाफा किया मैंने। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने ये आपसे और भाई से मैंने ये सवाल करना था। अबे क्या हम ही नजर आ रहे थे? मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम सवाल? चलो पूछो, शो तो आपका ही है ना। आप तो आप दोनों से ये मैंने सवाल करना था कि घर में आपने अगर रहना है सुकून से तो किस तरह के क्या करना चाहिए? आज़ादी से रहना है, अकेला रहना। अब शादी हो गई है, अब छड़े नहीं ना हो, अब छड़े नहीं हो दादी से रहना। हाँ भाई, अली भाई, घर में सुकून से रहने के लिए क्या करना चाहिए? शादीशुदा जोड़ो। सुकून से रहने के लिए इंसान का पुत्र बन के रहना बस, और ये भी अच्छा जवाब। सुकून से रहने के लिए मेरे भाई एक सीरियस जवाब दूंगा, सच बोलना चाहिए। हाँ, झूठ बोल के फंसता है बंदा। सही है, सच बता दो, मेरा उसे चक्कर चल रहा है। फिर जो फंसोगे ना, एक ही बार फंसोगे खत्म, रोज रोज की चिक चिक नहीं होगी। सिंपल है ना भाई यार, रोज बता दो। और किसी के पास सवाल? इनको दे। हाँ भाई, आगे लाइएगा सवाल, कुछ लेडीज लेडीज से सवाल पूछे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन अली से है। ऐसा लग रहा है मजबूरी है पूछना नहीं चाह रही। ऐसा लग रहा है सवाल मुझसे पूछना चाह रही। नहीं, मेरा क्वेश्चन मैम से है। आखिर तक मेरे तक पहुंच ही जाएगी बात। पूछिए पूछिए, क्या नाम है आपका? नैना। नैना 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 नहीं लिखा है। ए ए वो नैना। सवाल पूछो नैना। मैम, जब आप अपने हस्बैंड के ड्रामा सीरियल्स देखती हैं तो आपको जेलसी नहीं होती? ये इसकी हमने बहुत प्रैक्टिस की है। चलो हम इस जवाब की बहुत प्रैक्टिस की है। इसके बारे में आई थिंक ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट करो, फिर आप उसको जाने दो। एट द एंड ऑफ द डे उसने आपके पास आना है तो ठीक है, ऑल इज गुड। ताली होनी चाहिए इस बात पे। अच्छा जवाब था, बहुत अच्छा जवाब था। आपको पता होता है हमना के वापस आके दुम्बा कढ़ाई तो आपसे ही मांगेंगे। दुम्बा कढ़ाई मेरे से, दुम्बा मगज वगैरह ये शख्स। इतनी लड़कियां सवाल पूछ, बहुत सवाल है लड़कियां आप लोग। हां भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ईमान है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जिस तरह ड्रामास वगैरह में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक आपका रोल होता है, तो रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही स्ट्रिक हैं या फिर बहुत हम्बल हैं? मैं बहुत बदतमीज़ इंसान हूँ रियल लाइफ में, बहुत बदतमीज़। लेकिन मेरी बदतमीज़ी का जो दायरा है वो सिर्फ बदतमीज़ लोगों के साथ होता है, अदरवाइज़ आई एम वेरी कॉर्डियल, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी हम्बल। लेकिन अगर आप आज से 10 साल पहले वाले अली को देख लें तो बहुत शदीद, मैं आज यहाँ पर कैसे हूँ ये मैं, इट्स अनबिलीवेबल। वो लाहौर के थानों में भाई का नाम लिखा है जगह जगह। आपका नाम क्या है? सबूत है। अली भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है जी, और सीरियस सवाल है। आपने बहुत ड्रामे कर लिए, मगर जो कहते हैं ना वो बिग नेम्स, बिग डायरेक्टर्स, वो नहीं मिले आपको अभी गालिबन। क्या वजह? अपनी वजूहत है या डायरेक्टर ही कास्ट नहीं कर रहा? I don't know what the problem is. Okay. But जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं, इत्तेफाक है शायद कि मैंने कभी भी उन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया। Okay. और मैं आज तक फिगर आउट नहीं कर सका कि क्यों। आज भी नए डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुपर डुपर हिट देता हूँ। Exactly. के साथ exactly, हाँ। तो कोई ऐसी कमी भी नहीं, कोई बात नहीं। आप हाँ, छोटे डायरेक्टर को बड़ा बना दें। मुझे नहीं पहचानते तुम। आपकी तारीफ बहुत लोगों ने करने की कोशिश की पर अपनाया किसी ने नहीं। मैं जमहूरियत हूँ ताबिश जमहूरियत। क्या होलिया बनाया भाई? तारीख आवाम का ना। क्या क्या बना भाई ये? मैं जमहूरियत हूँ ना पेंडू, ये सारा इम्पोर्टेड है। तुम नहीं समझेगा, यू बैगर, इम्पोर्टेड बैगर। लाइन चेक की थी, सॉरी। मैं दिप, दिप, आप मुझे बचाओ। खतरा किस चीज़ से? मुझे खतरा है किससे? तुमसे। ये वसीम अब्बास के बेटे हैं ना? नहीं नहीं, अली अब्बास है ये। अली अब्बास वसीम अब्बास के बेटे नहीं है? अरे भाई, खुद भी आइडेंटिटी है ना। वो तो बड़े जमहूरियत पसंद है ना। क्या ना? सुना है मैंने, बहुत जमहूरियतें भुगताई हैं उन्होंने। उनके
के दौर वाली जमहूरियत देख रही हो आप लगा रहा बार बार मुझे इतनी कमजोर नहीं है आप जमहूरियत ताबिश मेरा किसी ने कोई ख्याल नहीं रखा क्यों मुझे कहीं का नहीं छोड़ा कभी किसी ने कहा मेरा पाकिस्तानिया हकीकी जमहूरियत आ नहीं रही हकीकी जमहूरियत आ गई कभी किसी ने कहा जा साहब ये जमहूरियत आप कहते हैं इस जमहूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं भूल जानता और कभी किसी ने कहा मेरे भाइयों is the best revenge jamuriyat ke khatir sar mangoge sir milega gurdan mangoge gurdan mangoge gurde milenge pipri bas 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 kahan tak pahunchenge aap saat shopper mangoge wo nahi mil magar dekh lo in sab ki khencha tani mein मेरा क्या हाल हो गया आप रहती कहाँ हैं क्या है आपका सेटअप क्या है कहाँ से आ गई हैं आप ससुराल मेरा यूके में लंदन में और घर मेरा पिंडी भटिया में है बड़ी गंदी सोच है तेरी आप रहती कहाँ हैं हाँ गुड क्वेश्चन मैं रहती कहाँ हूँ मैं हियर एंड देयर आउच फिर हाथ लगा रहा बात सुनो तुमने सच सच बताना हम ना हम ना किसी दिन इसके गैर जमहूरी अमल को पकड़ेंगे जाके मुझे शक्ल से गैर जमहूरी इंसान जमहूरियत क्या है मुझे इतना लंबा है ना जम्मू प्यार अपना तो रिलेशन है मेरी दुआ तो न्यूट्रल ही हो जा मतलब तू ना किसी क्यों पॉलिटिकल होता है बार बार अच्छा मेरी बात तो सुनो ना क्यों सुनू तू मियां मेरा अच्छा ये जो इतना तैयार होकर आई है आप इसका क्या राज है रशीद ने तैयार किया रशीद ने जी हाँ रशीद कौन है जमहूरियत का ठेकेदार ठेकेदार बहुत गैर मुनासिब दूसरी बार सालन ना दे मैं तुझे सवाल का जवाब दूंगी डेढ़ पसलिए आपको पता ना धरना आने वाले मुझे अगर मुझे पता ना होता ना तू को क्या धरना आने वाला है फिर आने वाला है धरना जी हाँ यहाँ मुझे खतरा है यहाँ मुझे खतरा है मुझे बचा लो धरना फिर आ गया तो मैं कहीं धरने चुकी रहूंगी नहीं धरना आ रहा फिर धरना आ रहा है नहीं नहीं मुझे बचा लो मुझे बचा लो एक सेकंड ब्रेक ले लें लेडीज जेंटलमैन एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हंसना मनाए चलता ही रहेगा हमेशा तैयार होते हुए लेट कौन करता है यार अली भाई ये तो गलत है यार खवातीन हजरात एक बार फिर जमहूरियत चली गई वापस चलते हैं अली के पास अली भाई जी कैसे हैं आप ठीक है जमहूरियत को अप क्लोज देख के कैसा लगा ये जमहूरियत हमारे यहाँ जिस तरह आजकल लाइट जाती है उस तरह जमहूरियत जा रही है हाँ आना जाना लगा आना जाना लगा जमहूरियत आती भी है जाती भी अली भाई एक गेम आपके साथ खेलना चाहता हूँ जी गेम का नाम है तू तू मैं ठीक है ईजी होगा आप दोनों के लिए हाँ अच्छा आप खेलेंगे ये कि यहाँ नहीं खेलेंगे यहाँ नहीं हो पाएगा वो मैं वहाँ से सामान उठा के लाता हूँ आप दोनों ने एक ही स्टूल पर बैठ लें एडजस्ट करिएगा ठीक आगे पीछे पीठ से पीठ मिला के ठीक ठीक है और फिर आपको एक हम बोर्ड दे देंगे एक पे तू लिखा है एक पे मैं लिखा है ठीक तो दोनों के पास तू होगा और मैं भी होगा हम सवाल पूछेंगे तो आपने एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं क्योंकि आप बैक टू बैक होंगे तो आपने उठाना है कि या तो ये करती हैं आपने बताना या ये करते हैं मैं ठीक है बहुत सवाल आसान से बिल्कुल ठीक हाँ अब देखें मैं क्या करूँगा जादू देखें आप ये डायरेक्टर कुछ भी बोलता रहे मैं तो अपनी मर्जी करूँगा जादू ही सेट है मैं चुटकी बजाऊँगा अगले कट में सोफे रखे होंगे यहाँ ये कहीं नहीं हो रहा कहीं पर आप चेक करो डायरेक्टर पकड़ लेना देखा आपने वाह अब ये कुर्सियाँ आ गई आप लोगों ने पीठ एक दूसरे की तरफ करनी है और मैं आप दोनों को एक एक प्रॉप दूंगा एक पे लिखा है ब्लू वाले पे लिखा है मैं यानी मी okay. या पकड़े हम ना और ये एक पे लिखा है तू तू एकदम तू तड़ाक तू तड़ाक बड़ी बदतमीजी वाली बदतमीजी तू तड़ाक सॉरी हम ना अच्छा मैं अंपायर कहाँ खड़ा होगा अंपायर तो उंगली उठाएगा अच्छा मैं बीच में खड़ा होकर निकाह खान लग रहा हूँ सवाल पहला है ज्यादा जल्दी गुस्सा किसको आता है ऊपर यू मी वेरी गुड अच्छा अच्छा बराबर है
हमेशा तैयार होते हुए लेट कौन करता है? यार अली भाई ये तो गलत है यार। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तैयार होने में तो मुझे 10 मिनट लगते हैं, तैयारी के लिए तैयार होने में मुझे हाँ। बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ। बहुत वो आप सोते रहते ना अभी हाँ। हो जाऊंगा 5 मिनट अभी हो जाता है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, जिसकी शादी है वो तो होनी है, मेरे ना होने से थोड़ी मुझे। घर पे किसके रिश्तेदार ज्यादा आते हैं? मेरे तो ताया का घर मेरे दीवार पार है, तो वो कौन से आने वाले, बाकी मुझे मैं जब आया होता हूँ लाहौर तो कोई आता ही नहीं मिलने मुझसे। आप दोनों में से जेल जाने के ज्यादा चांसेस किसके हैं? ये हमना वाला मी भी मुझे पकड़ा है। किसके साथ जल्दी फ्रॉड किया जा सकता है? वेरी गुड यार, मतलब अगर झगड़ा हो जाए तो सॉरी कौन करता है? किसको बर्थडेज और एनिवर्सरीज याद नहीं रहती? दोनों को रहती है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर, मुझे पता है, बहुत प्रेशर होता है, दोनों याद रहते हैं, बहुत। आपको याद नहीं रहती अली? मैं अमना के लिए बहुत सरप्राइज बर्थडे प्लान करता हूँ, बाय द वे। और ये क्या करो, हमारी लाइफ मुश्किल करते हो? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे इवेंट है, मैं इसलिए इस पे। और तीनों हजरत, मैंने इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं देखी, ऐसा लग रहा था पेपर आउट हुआ है। बिग हैंड फॉर अली एंड अमना, वेरी वेल डन। मेरे ख्याल से 90% स्कोर आया, इतना तो कभी अली आपका स्कूल में नहीं आया होगा। कभी भी नहीं। वाह यार, पेपर आउट करा के भी नहीं आया था। अब मैं चुटकी बजाऊंगा ना तो इस गेम के सारे प्रॉप्स भी गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो आप, नेचुरल देखूंगा मैं चुटकी। अरे अली भाई जी, दो बातें ऐसी जो हमना में चेंज करनी है। एक तो ये इतनी ऑर्गेनाइज ना रहे, अली हो जाए, आप बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। और दूसरा ये है कि अमना में वैसे कोई ऐसी और बात नहीं है जो हार्ट रिएक्ट हूँ। जितनी अमना की मेरे घर वालों से दोस्ती है वो मेरी तो दूर दूर तक नहीं। ये आजकल की खवातीन में ये अजीब स्कीम आई है, हमारे घर वालों से इतनी दोस्तियां कर लेती, मेरी तो अम्मी मेरी सांस लगती हैं। हर वक्त इतना, हर वक्त सोता रहता है वो, देखो सुबह से काम कर रही है, हर वक्त ये पढ़ा रहता है वो, देखो सुबह से काम कर रही है। मेरे भी दोस्त सास ससुर हो जाते हैं, मेरे घर में भी यही है। मेरे अब्बा जो हैं वो, उनको कोई भी काम कहना होता है तो वो हमना को कॉल करते हैं, मुझे नहीं बताते। सेम सेम, मुझे हमना बताती है कि अंकल ने ये कहा ये करना है। और मेरी अम्मी तो एक वो भी देती हैं, अच्छा वो तो करेगा नहीं। या आज की क्या हो गया है आजकल की सासों की? अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो सिर्फ इतना कहती हैं, मेरी अम्मी तो अरे। आपकी अम्मी, ओ सॉरी हमना, दो चीज़ें जो है वो बदलनी हो अगर अली में, गुंजाइश तो ज़्यादा की है, दो चीज़ें बता दें। पंक्चुअलिटी बदलनी है, मतलब है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यही जरा सा और ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि बच्चे हैं ना तो मुझे सबको रखना पड़ता है कि यार अपने अपने से चलो, जरा इजीली मैनेज हो जाता है, बहुत है भाई। मैं भी तो किसी का बच्चा हूँ यार, मुझे कोई ऐसा ये डायलॉग मैं दिन में 10 दफा सुनती हूँ। तो मैं भी तो किसी का बच्चा, तो बड़े हो गए हो ना। मेरी अम्मी को, जब मेरी अम्मी जब अपनी मेरी बेगम को कहती है ना कि इसको जरा समझाया करो, तो अम्मी को वो कहती है इतने साल आपके साथ रहा, आपने क्यों नहीं समझाया? ये आजकल की, मैं सासों से कहना चाहता हूँ, अम्मियों से कहना चाहता हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। भाभी, भाभी पूरा शो अम्मा के साथ, अब भाभी। अच्छा आपको कभी ऐसा हुआ, क्योंकि नेगेटिव रोल बहुत करते हैं हम ना, जब ये नेगेटिव रोल बहुत करते हैं तो कभी ऐसा लगा अरे आज तो बिल्कुल नेचुरल कर रहा है? ये मैं अली को लड़ाई में कहती हूँ। कहती है वैसी हो तुम, साइको रोल कर कर के साइको हो गए हो। अच्छा हाँ, इससे सवाल बनता है, कभी घर करेक्टर लेकर आए ये? ये होता ना आर्टिस्ट, करने नहीं दिया ना कैरेक्टर ना एक्टर। सबसे अच्छा रोल अभी तक कौन सा लगा जिसमें सोनिया हुसैन थी, किससे चाहूं वो उसका मुझे ये वाले क्या, मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स वाले काम नहीं, सोनिया हुसैन थी अपने मियां कैरेक्टर याद नहीं है? नहीं नहीं, मुझे इस तरह मैं रिलेट इस तरह करती हूँ, बट ये अभी भी जो किए हैं दीवानगी वाला मुझे बहुत अच्छा, पॉजिटिव रोल में मुझे लिए अच्छा लगता है, नेगेटिव रोल में मैं अपना अपना सा लगता है। बस बस बस, नहीं सुनना मुझे कुछ। क्या हुआ, क्या है? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। इस मुल्क में दो ही बंदे हैं जो किसी की बात नहीं सुनते हैं। कौन?
एक तू और दूसरा इमरान खान। अब ये इमरान खान कहाँ से आ गया? बी चौक से। अच्छा उसके आने का पता है? मेरी सालगिरह याद नहीं है। जानू हुआ क्या है मेरे मखना? मक्खन, अपना मक्खन अपनी दुकान पे बेचो। आए दुकान पे नहीं बिकता, वो तुझे भी ना लगाओ। फायजा का पता है? मुझे तो पता है। फायजा का शोहर 10 साल से अपनी बीवी का बर्थडे नहीं भूला, और ये देखो। और फायजा का बर्थडे तो मैं भी नहीं भूला, पूछ लो उससे जाके। क्या वो भाभी 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 हुआ क्या? कुछ हो ही तो नहीं रहा है? अरे 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 इनकी बीवी हूँ। हाँ हाँ भूल गए, ये तो गलत बात गलत है ना? गलत बात है। घर के मसले यहाँ क्यों लेकर आ रही? आए साढ़े घर के मसले यहाँ क्यों आ रहे हैं? तुम्हारे घर का सबसे बड़ा मसला जो यहाँ आ गया है, हमने कुछ कहा? मेरे घर का मसला आपके घर ना चला जाए कहीं। मैं आपका मसला सॉल्व करता हूँ। जी जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी। हमारे साथ एक कपल बैठा हुआ है, आप भी बैठ जाओ। नहीं नहीं, हम दोनों में कोई कपला नहीं है। ओ भाई, हम मियां बीवी हैं। वही कपल उसको कहते हैं। अरे मेरी बात सुन। हां जी। हमन तेरा कौन है? इधर खड़ी हो। बिस्मिल्लाह अली भाई, मैं सदके जाऊं, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खड़ी यार हसन भाई के लिए बहुत ज्यादा तालियां एक दफा। ठीक है, बचपन से इनके हाथों में खेला हुआ हूँ। ये मेरे वालिद के बहुत पुराने कुलीग हैं और बहुत इज्जत है मेरे दिल में इनके लिए। बहुत बहुत आपकी मेहरबानी है। आप मोहब्बत कर रहे हैं, बचपन में वाकई खेले। घर में कितनी शर्टें हैं जो उनकी इनसे खराब हुई हुई है। उठाता था ना यहाँ पे, और इनके दादा अबू नैसन भट्टी साहब, उनके लिए मैं दुकान से मक्खन लेके जाता था, और मुझे वो चन कहते थे। चन? हाँ, मुझे देख कर ही तो उन्होंने कहा कि चन मेरे मखना। ये उनका गाया हुआ गाना। अच्छा, है आप दोनों कपल यहाँ, आप दोनों मियाँ बीवी यहाँ बैठ जाएं, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेते। हाँ ठीक है, एक सोफा है तो हेठाउं ते बैठ। यार आप भाभी आप बैठ जाएं, आप उस पे आ जाएं, इतनी टेंशन नहीं लो यार। आप बैठ जाएं, आप आई नहीं कोई बात नहीं, ये साहिवाल से पैदल आई है, इसे बैठने दो। और मेरी बहू ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह खैर करे। इसकी बहू भी ठीक है जी। पहला मैं कपल अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा हूँ, कंपैरेटिव भी, कंपैरिजन भी होना चाहिए। कपल ये भी बैठे, ये केड़ी स्टैंडिंग? वो साइकिल का स्टैंड मेरा बिल्कुल ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मतलब हम आहंगी। अच्छा बैठो, खड़े करो प्लीज। ब्रेक ब्रेक लेकर आए प्लीज। शोहर के ड्रामे या शोहर के ड्रामे? शोहर के ड्रामे। ड्रामे ना। दौर या बज्जात? दौर, 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 दौर। अच्छा मुझे सवाल, पहला सवाल मैं अली भाई से पूछूंगा, फिर आपसे वही सवाल पूछूंगा। अली भाई खाने में क्या पसंद है? भिंडी। खाने में क्या पसंद है पहलवान साहब? मैं बताती हूँ, दिमाग, गालियां और ताने। आए वो भी इनके हाथ का पका हुआ। शादीशुदा होके ज्यादा खुश हैं या पहले ज्यादा खुश थी? दोनों टाइम का अपना अपना चार्म है। दोनों टाइम का अपना अपना चार्म। भाभी जी जी, शादी से पहले ज्यादा खुश थी या शादी के बाद? मैं बताता हूँ, पैदा होने से 22 साल तक तो मैं भाई बड़ा ही खुश था। वाह, बस उसके बाद फिर शादी हो गई। फिर खुशियां कहां भाई? अली भाई पसंद की शादी थी या अरेंज? अरेंज्ड। पसंद की शादी थी या अरेंज? यार शादी तो पसंद की नहीं हुई, अलबत्ता तलाक मेरा ख्याल पसंद की हो। मुंह संभाल के बात करो जी। हम ना जी, शादी अरेंज्ड है या लव? दोनों का अलग अलग कैसे हो सकता है भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो पूछा ही नहीं। अरेंज्ड। अरेंज शादी है। आपकी शादी अरेंज्ड है या लव? जवाब मिल ही गया आपको। नहीं नहीं, लव। लब? लब? लबी है मैनू तू। अच्छा प्यार की बातें नहीं तुझसे करता? प्यार की बातें, प्यार की बातें तो इतनी, मैं कहती हूँ इतना रोमांटिक कोई नहीं होगा। हैं? इतने रोमांटिक हैं, इतने बस हर वक्त प्यार की बातें। हाँ बस मुझसे नहीं। हाँ यार जान, हाँ बंदा ही बैठा है या कोई बिलियर्ड खेलने वाली छोटी है?
देखो मेरी दूध दही की दुकान है, मक्खन भी बेचता हूँ। उड़ाओ मेरे बदन का मजाक उड़ाओ। अवान से इसमें इस पे कोई भी ताकत वाली चीज असर नहीं करती। इसको आपको कैसे पता असर नहीं कर रही? आपको शिकायत की किसी ने? आपको किसी ने बताया? आपको किसी ने कहा? आपको किसी ने कहा इसको असर नहीं कर रही? आज तो मैं जवाब देकर ही छोड़ूंगा। रोज मुझे कभी तीर बोल रहे हो, कभी पतला बोल रहे हो। भाई हलाल का खाया इसलिए इतना ही है। हलाल का खाया है ना, लेकिन पल्ले पल्ले से नहीं खाया। पल्ले से नहीं खाया? हाँ बस हाँ। देखो ये तो पता नहीं मैदे की जगह इसने शॉपर लटकाया हुआ है। हाँ। यानी कि इसको गोश्त खिला दो जितना मर्जी, मजाल है इसके जिस्म पे एक बोटी भी नजर आए। मैंने हाँ। इसे दूध मैं आपको अपने जिस्म की बोटियां क्यों दिखाऊं? मेरी बोटी मेरी मर्जी। जाए तलवान साहब बर्थडे मनाए भाभी की 10वीं साल के रात 10वीं वेडिंग। सीखो कुछ सीखो। इतने साल हो गए ने, अब मैं इसकी साल का केक काटूं या टायर को आग लगाऊं? यार इस तरह की बातें तो लड़ाई होती है ताकि धुआं निकले, पता लगे भी ओथे साल गिड़ा हो रहे। नहीं नहीं भाभी दिन चले हुए हैं, छोड़ो यार क्या साल गिड़ा नहीं है। भाभी आप भी कभी प्यार से बात किया करें ना, आपके चेहरे पे तो कभी खुशी। मेरी किस्मत फूटी, सालगिरह याद रखते तो मैं प्यार से बात भी कर लेती। भाभी तो आप भी प्यार दिया करें, प्यार घर चलो मैं प्यार की बातें कर लूं। बातें भी बातें करें, आई प्यार की बातें करने लगे हैं, चाती ना मारना। छोटा सा गेम खेल रहे हैं अली भाई आपके साथ जी, और आपके साथ भी ऑफकोर्स आप आई हैं। छोटा सा गेम है, इसमें सिर्फ गेम का नाम है या या या। ओके ये उर्दू वाला ही है। अच्छा या ठीक है। पहला सवाल अली भाई, कराची या लाहौर? कि जितना प्यार मुझे लाहौर में मिला है उतना ही प्यार मुझे कराची में भी मिला, तो मैं किसी एक, जैसे बच्चे हैं ना आपके, आप बच्चों में फर्क नहीं कर सकते, इस तरह कराची लाहौर है मेरे लिए। भाभी शॉपिंग स्प्री या लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव अली के साथ सोचा। शोहर के ड्रामे या शोहर के ड्रामे? शोहर के ड्रामे। ड्रामे ना, ड्रामे बस। दौर या बज्जात? दौर। दौर नहीं, दौर या बज्जात? दौर नहीं, बज्जात। बज्जात क्योंकि बज्जात ने उन्हें पर्सनल लेवल मेरी पर्सनालिटी को बहुत चेंज किया, बहुत ज़्यादा चेंज किया। मुझे बज्जात के सेट पे ऐसे चैलेंजेस का सामना हुआ जो मुझे पिछले 8 सालों में नहीं हुआ था, और फिर उन चैलेंजेस की वजह से मुझे उन्हें काउंटर करने का पता चला कि काउंटर कैसे करना है जब आप कॉर्नर हुए हो तो कैसे वहाँ से निकलना है। शौहर के ताने या शौहर के खराटे? ताने नहीं देता, खराटे लेते हैं। खराटे लेते। अच्छा किस किस्म के खराटे होते हैं आपके? वो होते हैं कुछ खराटे होते छोटे छोटे, कुछ होते हैं ये वाले यार ये बड़े अनोइंग होते हैं। लेकिन ये सिर्फ खराटे नहीं होते ना अली, सोते में बोलता बहुत है। हमारे मैं भी करता हूँ, बहुत बोलता है। मैं भी करता हूँ, पकड़ा गया हूँ 2 बार तो। मैं भी पकड़ा यार। ये कौन है? कब मैंने कब लिया? अच्छी बात ये है कि मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन पकड़ा गया, काम कर लिया था। ये पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा रोल, आपने बहुत रोल किए, किस रोल ने करियर को इम्प्रूव किया? मेरे करियर को जो लगता है कि मुझे लगता है सबसे बड़ा जो किक मिला था वो तुम कौन पिया से मिला था, बिकॉज उसके डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, और मैंने आई एंटर्ड दैट प्रोजेक्ट एज वन एक्टर बट आई एग्जिटेड एज अनदर। बहुत डिफरेंट उनकी, उन्होंने मुझे बहुत सीन्स को करने के बहुत डिफरेंट मूड्स बताए यासिर भाई ने, सो वो उनका रिगार्ड हमेशा है। जो मेरे करियर को मेजर पुश मिला वो खाली हाथ से मिला था, जो सैयद वजाहत हुसैन ने डायरेक्ट किया था। सही है। दैट वाज वन प्रोजेक्ट जो मुझे लाइमलाइट में लेके आया था। भाई फैन इतने सारे फैंस हैं, क्या कोई ऐसी कभी हरकत हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी? 2-3 दफ़ा इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि जिसमें मुझे कंट्रोल करना पड़ा अपने आप को। हाँ, बहुत खूबसूरत लड़की थी। बहुत खूबसूरत लड़की तो भाई की फैन नहीं होती कभी भी। आप खड़े हो जरा, मैं आपको बताता हूँ। देख कर आप अली अब्बास, मेरी वाइफ भी देख रही है। हाँ हाँ मेरी भी वाइफ देख रही है। आप अली अब्बास हैं, आप अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं और कुछ बात कर रहे हैं और शायद कहीं जा रहे हैं, और मैं फैन हम ना तुम दुम्मा कढ़ाई बना लूं। हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो? फोन है, एक फोन, सेल्फी लेनी थी तेरे साथ। हाँ हाँ असले यार क्या हो गया? अच्छा क्या कर रहा है आजकल? फिर एक मिनट ठहर जा,
अरे इधर आओ इधर आओ, देखो कौन है ये, कौन है देखो। अब वो आंटी ने पहचानती नहीं, नहीं वो आंटी पहचानती है, आंटी के गोद में एक बच्चा है, ये इसके साथ एक तस्वीर खिंचवा लें। बहुत बड़ा फैन है भाई, खिंचवा ना। इतना सा बच्चा, खींचो खींचो खींचो, पकड़ ना ऊंचा करके पकड़, खींचो। ये क्या कर दिया? और फिर क्या नंबर क्या है बता, नंबर देखो, नंबर दे नहीं सकता, नंबर नहीं दे सकता, अलाउड नहीं। अरे यार नंबर बता दे, क्या हो गया, नहीं तंग करूंगा तुझे, अलाउड नहीं है। चल ठीक है ठीक है, चलो भाई और खिंचवाने के सीन है तस्वीर? नहीं नहीं, अच्छा चलो अपना तुम्बा कढ़ाई कैंसिल कर दो। मैं लाहौर में बैठा हुआ था अभी, इधर ही लाहौर में, और खाना खा रहा था अकेला किसी रेस्टोरेंट में, एक बंदा आया, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, आया चला गया। मुझे पहली बार गुस्सा आया। अच्छा ऑब्जेक्टिफाइड फील हुआ। ये भी होता होगा यार, कहीं देखा है तुम्हें? नॉर्मली मैं फैन मोमेंट्स अली के बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, और मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र कर रही होती हूँ जब लोग आ भी रहे होते हैं, तो मैं दिल में माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि इट्स वर्क रियली हार्ड फॉर ऑल दिस और ये डिजर्व करता है। बट कभी जब लोग आपकी पर्सनल स्पेस या प्राइवेसी को नहीं करते रिस्पेक्ट, तो थोड़ा सा फिर उसका बॉदर होते हो। जैसे हम एक दफ़ा मूवी देखने गए, हम लोग बहुत शौक से और इन्वॉल्व होकर मूवी देख रहे हो, उस लड़की ने मेरे जो साथ बैठी थी मुझे पोक करके कि आपके साथ जो है ये एक्टर है जी, ये आपके हस्बैंड है जी, इनको ज़रा इधर कर दें। अरे मैंने कहा अच्छा, मतलब आप इधर आ जाइए। नॉर्मली मैं बहुत इनकरेज, जैसे कोई शर्मा रहा हो सेल्फी लेना चाह रहा हो तो मैं हमेशा इनिशिएट करती हूँ कि अच्छा मैं ले देती हूँ, आप लोग आ जाओ, या कोई पेरेंट बच्चे को लेके आए तो मैं हमेशा करवा देती हूँ कि वाई नॉट। बट अच्छा मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो बैठ गए, पूरी मूवी वो अली से बातें करती रही और मैं बैठ के मूवी और अली अनॉय हो रहा है, मुझे कह रही क्या किया तुमने मेरे साथ, मैं मैं हट गई, मैं मैंने अपनी जगह बहुत आराम से, बहुत अच्छी, इतनी महानता मैं अभी तो नहीं कह रहा यार, आराम से मैंने अपनी जगह दे दी। देखो तुम तो चमक के बढ़िया थी यार, हां दूसरों को मौका देना चाहिए। हाजी नाज़रात, इस तरह वाकई में इख्तिताम को पहुंच चुका है ये इंटरव्यू, बहुत मजा आया, ऐसा लगा ही नहीं कोई सेलिब्रिटी, कोई मेहमान, कोई बड़े लोग आए हुए, बल्कि ऐसा लगा घर के लोग आए हुए। बहुत मजा आया अली और हमना, इसी तरह रहिएगा, इसी तरह खुश रहिए, और आप खवातीन हजरात 12 बच्चों हैं, खुदा के वास्ते अब जाके सो जाइए, सोया भी करें आप लोग कभी, जाए गुड नाइट बाय।